नमस्कार, आप देख रहे रिपोर्टर्स पेज। वक्त है 1:10 खबरों का। दो महीने बाद विमान सेवाएं हुई बहाल। वाराणसी और पुष्पर विमानों ने भरी उड़ाने। मिर्जापुर में गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत नहीं। पारा 47 डिग्री के पार। प्रयागराज का कमला नगर इलाका भी बना हॉटस्पॉट। जिले में संख्या 30 से अधिक। उत्तर प्रदेश में भी जारी है कोरोना का कहर। 229 नए मरीज, अब तक 6497 कोरोना पॉजिटिव। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर लौट रहे नवजात की मौत। भीषण गर्मी और पानी की कमी से थम गई सांसें। दिल्ली में हर दिन 500 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार। लॉकडाउन के चौथे चरण में संक्रमण दर भी बढ़ी। 372 साल में पहली बार ईद पर सुना रहा ताजमहल का आंगन, नहीं हुई नमाज। देश के राष्ट्रीय संक्रामक रोग केंद्र का दावा, महज 11 दिन बाद दूसरों के लिए खतरा नहीं रह जाते कोरोना मरीज। नहीं रहे 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य बलबीर सिंह सीनियर। खेल जगत में नमाकों से दी विदाई। पीएम मोदी ने भी जताया शोक। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर कोरोना की दस्तक। 2 कर्मचारियों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद किए गए क्वारंटीन। ये थी कुछ खास खबरें। फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार।